हाय फ्रेंड्स, स्वागत है सुमन किचन में आपका। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू की सब्जी। तो चलिए बताती हूँ कैसे बनाएंगे और क्या क्या चाहिए हमें इसे बनाने के लिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गैस पे हमने एक कढ़ाई रख दिया है और इसे हम गर्म कर लेंगे। और गर्म होने के बाद इसमें मैं 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स, ऑयल को गर्म होने देंगे और जब ऑयल गर्म हो जाएगा फिर इसमें डालेंगे 1 पिंच हींग। और हींग के बाद इसमें डालूँगी 1/2 टेबल स्पून जीरा। उसके बाद से 1/2 टेबल स्पून मेथी डालूँगी इसके अंदर। और मैं इसमें थोड़ा सा खड़ा मसाला, गरम मसाले डालूँगी। और उसके बाद से 1 तेज़पत्ता डालूँगी और इसे भूनेंगे अच्छा से। और जब ये भून जाएगा उसके बाद इसमें मैं ऐड कर दूँगी प्याज। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये भून रहा है और 1 बड़ा साइज़ का प्याज हमने बारीक कट कर लिया है। अब इसे मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसे भी लाइट ब्राउन होने तक मैं अच्छा से प्याज को पकाऊँगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं प्याज हमारा पकने लग गया है। और इसी तरीके से लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं सॉफ्ट हो गया है बिल्कुल। तो थोड़ी देर और इसे पका लूँगी मैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये हो चुका है। तो अब इसमें मैं डालूँगी 1 से 1.5 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसे भी 1/2 मिनट तक हम भून लेंगे प्याज के साथ में। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने अदरक, लहसुन और प्याज को अच्छे तरीके से भून लिया है और आप कलर देख सकते हैं इसका। तो फ्रेंड्स, अब चलिए इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले 1/2 टेबल स्पून में धनिया पाउडर और 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे। उसके बाद में डालूँगी जीरा और काली मिर्च पाउडर और इसे भून लेंगे अच्छा से। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें इसे भून लेना है 2 से 2.5 मिनट तक। और लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें भूनना है मसाले को। और तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं भून लिया है। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी टमाटर प्यूरी। तो आप इस तरीके से आप टमाटर को कट करके भी डाल सकते हैं, बट मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। और इसके साथ मसाला और टमाटर को मैंने अच्छा से भून लिया है और आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट होने लगा है। तो इस तरीके से हमने मसाले को अच्छा से भून लिया है। अब इसमें 2 से 3 चम्मच हम पानी डाल के और इसे ढक के मैं पकाऊँगी ताकि थोड़ा बहुत जो कच्चा है मसाले वो भी अच्छा से पक जाए। तो इसे ढक देती हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हो चुका है ये मसाला। अब मैं खोल के देखती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बिल्कुल ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो चलिए आप इसमें आलू को हम ऐड कर देते हैं मसाले के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये मीडियम साइज़ के 4 से 5 आलू हमने बॉईल करके छिलके हटा के और इस तरीके से टुकड़ों में तोड़ लिया था। तो अब इसको मसाले के अंदर मैंने ऐड कर दिया है और मसाले के साथ मैं इसे आलू को भी 2 मिनट तक अच्छा से भूनूंगी ताकि मसाला और आलू का फ्लेवर एक हो जाए। तो आप देख सकते हैं मैंने भून लिया है। अब इसके अंदर मैं नमक ऐड कर दूंगी और नमक टेस्ट के हिसाब से आप ऐड करें। और नमक को भी मैं मिक्स कर दूंगी इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं नमक भी हमने मिक्स कर लिया है आलू में। अब इसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, आप पानी अपने हिसाब से ऐड करें, कम या ज़्यादा जैसे ग्रेवी आपको चाहिए। तो मैंने 1 गिलास पानी इसमें ऐड कर दिया है और आप देख सकते हैं इस तरीके का ग्रेवी हमें चाहिए। तो हमने 1 गिलास डाला है। अब इसमें मैं थोड़ा सा डाल दूँगी कस्तूरी मेथी और 1/4 टेबल स्पून मैंने डाला है। और आप इसे चाहें तो डालें या स्किप भी कर सकते हैं। और उसके बाद से मैं इसे ढक के 1 से 2 मिनट तक पका लूँगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अब तैयार है हमारा सब्जी बनके और बिल्कुल आप देख सकते हैं कितने अच्छा से बना है। तो अब इसमें थोड़ा सा गरम मसाला मैं ऐड कर देती हूँ और धनिया पत्ता मैं बारीक कटा हुआ ऐड कर देती हूँ। उसके बाद से इसमें खटापन लाने के लिए थोड़ा सा मैं नींबू निचोड़ूँगी। आप इसे
इसे चाहें तो डालें या नहीं डालें, बट मुझे अच्छा लगता है तो मैं नींबू ऐड कर रही हूँ इसमें। और उसके बाद से हम इसे चला लेंगे और अब रेडी है हमारा सब्जी बनके। तो आप इस सब्जी को अपने घर पे ज़रूर बनाएं और ये पूड़ी पराठा रोटी किसी भी चीज़ के साथ आप इसे सर्व करें, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि रेडी है और हमने सर्व कर लिया है। तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएँ। थैंक यू। Thank you.